के इसमें पुश कर देना, केवल पुश करना, ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया, ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया। अभी ऐसे पीछे की तरफ आर आर एल जा रही है, अगर हम दूसरा एक्सटेंड करेंगे तो सेम पीस है ऐसे बना हुआ, ये हम उसमें लगाएंगे, फिर इसके बाद एक नोजल, एक हमारे पास और लगता है कि पाइप छोटा है, हमारे को छोटा पड़ रहा है, तो दूसरा पाइप ऐसे दूसरा पाइप आप इसमें इंटरकनेक्ट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो उसको, अगर आपको लगता है कि दूसरा पाइप लगाने की जरूरत नहीं है, तरीका ऐसे खोलते नहीं, अगर आपको लगता है कि दूसरा पाइप लगाने की जरूरत नहीं है तो वो जो नोजल है वो नोजल इसमें लग जाएगी, मतलब एंड प्लग पे नोजल लगेगी वो, अभी एंड प्लग हम नहीं मान रहे, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ एक्स्ट्रा करने के लिए, लंबाई करने के लिए, अभी हमारे करीब करीब 30 मीटर हो गया, ये इसको सीधा कर बेटा, पाइप के अंदर कोई बैंड ना आए, कोई घुमाव ना आए, हम ये हमारे पास ब्रांच 2 मिनट अब ये देखो, ये नोजल एंड प्लग पे लगा दिया है हमने, इस तरीके से नोजल लगेगा और पकड़ने का तरीका देख लो आप, इस तरीके से पकड़ना है और जहाँ कोई छाया होती है जैसे बंदूक जी 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 हाँ, इसकी ग्रिप ऐसे रखनी है कि ये छूटे ना, आपका प्रेशर होगा और जहाँ पर कोई फायर होती है उस पर पानी आपको जेट करना है, साइड ऊपर ऊपर सिस्टम लगा हुआ है पानी वाला, इस सिस्टम के लिए आपको मोटर चलाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी कोई स्विच खोलोगे, चाहे वो होजरी का स्विच खोलोगे, हाइडेंट का खोलोगे, वो मोटर अपने आप चल जाएगी, और जैसे प्रेशर लॉस होगा वो अपना काम करना शुरू कर देगी, प्रेशर पैक हुआ मोटर बंद हो जाएगी, प्रेशर आपके यहाँ से निकला मोटर चालू हो जाएगी, वो मोटर रनिंग में इसीलिए रहती है कि आपका प्रेशर कंटिन्यू बना रहे जहाँ पर कि आपको टारगेट करना है पानी को, ठीक है, ये सिर्फ आपको एक ट्रायल था।